हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मराठी में पत्र किस तरीके से लिखते हैं, 6 नंबर के लिए आप लोगों को बोर्ड में पूछा जाएगा। तो 100% मैं ये वीडियो आप लोग देखोगे तो 100% में बोलता हूँ आप लोगों का 6 नंबर आप लोगों का हो जाएगा। तो किस तरीके से पत्र लिखते हैं उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। देखोगे सिंपल सा, सबसे पहले आप लोग इस तरीके से दिया रहेगा, आप लोग इस तरीके से बना के दिया रहेगा, आप लोग इसमें से ही आप लोगों को पत्र लिखना रहेगा। देखोगे पूरा दिया है, मराठी सुलेखन वर्ग विनय अकादमी तरफे सुलेखन वर्गाचे आयोजन संपर्क विनय गायकवाड़ 2 सोमवार पेड़ कराड़ और भ्रमण ध्वनि पूरा आप लोग को पूरा ऑल टोटल दिया है और कालावधि टाइमिंग भी दिया है, पूरा ऑल टोटल दिया। बस इसको देख के और देखोगे इसमें 2 पत्र रहते हैं आप लोग को, पेपर में 2 पत्र आता है, एक अभिनंदन मतलब आप लोग का आता है और एक आता है विनती पत्र मांगनी पत्र और एक अभिनंदन मतलब आप लोग को रिलेशन में देते हैं कोई चीज तो हम लोग अभिनंदन पत्र देते हैं और उसके बाद हम लोग का कभी मंगाना रहता है, कोई चीज करना रहता है सरकारी या नौकरी के लिए कोई भी चीज विनती करते हैं, कोई चीज अपने को चाहिए तो इसको ही अपने को अटेंड करना रहेगा। फर्स्ट वाला कोई भी करो, बाकी आप लोग के ऊपर है, मैं बोलूंगा आप लोग का 100% यही वाला फर्स्ट वाला करना, इससे आप लोग का नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। इसे देखोगे सबसे पहले आप लोग का क्या लिखना रहेगा, पेपर का जो पत्र का पैटर्न है सही रहेगा आप लोगों का, बीच का थोड़ा बहुत गलत रहेगा तो आप लोग 100% पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, विनती पत्र है तो सिंपल सा दिनांक इसी तरीके से आप लोग लिख के आना है, दिनांक 23 अप्रैल 2020 सिंपल सा कल का डेट आप लोग डालोगे क्योंकि कल आप लोग का पेपर है, तो यहाँ 16 आप लोग डाल दोगे 16 मार्च 2022 इस तरीके से डालोगे। और यहां पे क्या लिखोगे, प्रति लिखोगे, क्या लिखोगे प्रति। अब किसको आप भेज रहे हो, माननीय श्री विनय गायकवाड़ सिंपल से देखोगे यहां पे है संपर्क किससे हम लोग कर रहे हैं, विनय श्री विनय गायकवाड़ और उनका एड्रेस भी इसमें दिया गया। देखोगे सिंपल सा विनय अकादमी और 2 सोमवार पेड़ मतलब सिंपल सा इस तरीके से पूरा इनका दिया गया, उसके नीचे आप लोगों का विषय क्या है उसको भी इसमें दिया गया है। देखोगे मराठी सुलेखन वर्गात प्रवेश घण्या बाबत मतलब मराठी का सुलेख में वर्गात में प्रवेश करने के लिए घड़िया बाबत इस तरीके से हो गया विषय। इधर देखोगे विषय आप लोगों का लिखा गया है सिंपल से, इसी में से आप लोग देख के विषय लिखना है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, महोदय लिखना है। देखोगे महोदय लिखने के बाद जस्ट देखो ये पैटर्न आप लोग देखो सिंपल सा, पहले डेट आ गया फिर प्रति फिर जिसको भेज रहे हो उसका फिर उसका एड्रेस फिर उसके बाद आप लोगों का विषय आएगा, लाइन कहीं भी नहीं छोड़ना है, विषय आएगा उसके बाद महोदय उसके जस्ट नीचे आएगा विषय लिखना और विषय जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखना है, नहीं तो आप लोग बड़ा लिखो तो कोई फायदा नहीं होता, बाकी आप लोग 100% आप लोग को छोटा जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखने का। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आप लोग लिखना महोदय, अब यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से लिखना रहेगा। देखो क्या लिखा गया है, आपला संस्थेने आयोजित केलेला मराठी सुलेखन वर्गाची जाहिरात पाहिली 1 मे ते 31 मे या कालावधीतील पहिला तुकड़ी मध्ये मी प्रवेश घेऊ इच्छितो मतलब मेरा मन है कि उसमें भाग लो पार्टिसिपेट करो, कृपया माझा प्रवेश निश्चित करावा इस तरीके से करना है। और देखोगे इधर क्या है, मी इत्यादि 10वीचा विद्यार्थी आहे मतलब मैं 10वीं का विद्यार्थी हूँ, माझे अक्षरा लेखन खूब सुंदर असावे असे मला वाटते, आपण एकदा दूरदर्शन वरील कार्यक्रम मध्ये सुलेखन महर्जे काय म्हणजे काय अक्षरा लेखनाचा सराव कसा करावा, सुलेखनाची विविध साधने कोणते वगैरे बाबतील चांगले मार्गदर्शन केले होते, मी त्याप्रमाणे सराव करण्याचा प्रयत्न ही करून पाहिला, त्यात मला थोड्या प्रमाणातच यश आले, मी आता आपला सुलेखन वर्गामध्ये प्रवेश घेऊन इच्छितो, कृपा माझा। ये देखो ध्यान से सुनो, इतना आप लोग को 100% सब में लिखना रहेगा, कृपा माझा प्रवेश निश्चित करावा ही पुनः एकदा विनती मतलब इस तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाला आप लोग के कि मेरे को क्या करो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कृपा करो, विनती कर रहा हूँ कड़ावे आपला नर्म। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ आपला नर्म कॉमा कहीं भी लाइन अभी तक नहीं छोड़ा हूँ, सब इसी साइड में आ रहा है। अब क अपना नाम नहीं लिखना है, अब क लिखना है और शांति निवास जो आपका एड्रेस है यहाँ पे अपना एड्रेस और अब क लिखना है, उसके बाद गोकुल नगर कड़ार
कराड़ इस तरीके से, और लास्ट में अपना जीमेल बना देना। बस इसी तरीके से आप लोगों को लेटर लिख के आना 100% में बोलता हूं। आप लोगों का 5 नंबर जो रहेगा पूरा क्लियर हो गया। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड, इसको अच्छी तरीके से कर लो और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड में शेयर करना, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके और 6 नंबर छूट ना जाए। इसके लिए सबको ये शेयर करना वीडियो।